दोस्तों DSSSB की तरफ से नई टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हाँ जी दोस्तों, नई रिक्रूटमेंट आई है DSSSB की तरफ से। कल रात को डिटेल्ड नोटिफिकेशन अपलोड हो गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/23 की यहाँ बात हो रही है। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 नवंबर 2023 से शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर 2023 है। इन पदों के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है अगर आप आवेदन करते हैं। तो सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये देखिए दोस्तों, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। कल ये शॉर्ट नोटिफिकेशन सभी न्यूज़पेपरों में पब्लिश किया गया था और कल रात को ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल्ड नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/23, इसमें टीचर्स की भी कुछ वैकेंसी है दोस्तों। सिर्फ टीचर्स की वैकेंसियों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, बाकी की जो वैकेंसियां यहां इस एडवर्टाइजमेंट में आई हुई हैं उनसे जुड़ा हुआ अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये वीडियो सिर्फ जो टीचर्स वैकेंसी आई है, टीचर्स रिक्रूटमेंट है, उससे जुड़ा हुआ है। तो मेन मेन डेट्स मैं आपको बता चुका हूं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/23 है। सबसे पहले पदों का विवरण दिया गया है। काफी सारे अलग अलग पोस्ट कोड, अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ वैकेंसी आई हुई है। तो सीरियल नंबर 20 पे है, पोस्ट कोड 91/23, स्पेशल एजुकेशन टीचर। हाँ जी दोस्तों, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए ये रिक्रूटमेंट DSSSB ने निकाली है स्पेशल एजुकेशन टीचर की। अब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पोस्ट कोड 91/23, ये देखिए दोस्तों, ये है पोस्ट कोड 91/23। पद का नाम है स्पेशल एजुकेशन टीचर। डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। नंबर ऑफ वैकेंसीज अनरिजर्व्ड ये 11 पोस्ट हैं। ओबीसी की 5 हैं, एससी की 3, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2, टोटल 22 वैकेंसियां हैं। पीडब्ल्यूबीडी में कैटेगरी ए की 1 वैकेंसी है। इसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये एसेंशियल है। ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखी हो, या फिर बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर बीएड नॉर्मल वाली बीएड आपने कर रखी है तो उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखा हो ग्रेजुएशन के बाद, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आपके पास हो, तो ये क्वालिफिकेशन है दोस्तों। मतलब स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है तो स्पेशल एजुकेशन में तो कोई डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना अति आवश्यक है, या इसके समकक्ष कोई भी योग्यता क्वालिफिकेशन जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड हो। मतलब मान लीजिए यहाँ नाम नहीं आया है उस क्वालिफिकेशन का और आपको पता है कि जो क्वालिफिकेशन आपके पास है वो अप्रूव्ड है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET सर्टिफिकेट कंडक्टेड बाई CBSE फॉर क्लास 6 to 8। हाँ जी दोस्तों, CTET का पेपर 2 जो कि TGT के लिए कंडक्ट कराया जाता है वो भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल है 44,900 से 1,42,400। लेवल 7 प्री रिवाइज है 93,000 से 34,800 और ग्रेड पे है 4,600 का। ग्रुप बी नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज लिमिट 30 साल इनके लिए निर्धारित की गई है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट छूट मिल जाएगी जो कि नीचे पैरा नंबर 7 में दर्शाई गई है। कॉन्ट्रैक्टल एम्प्लॉयज हैं सेम डिपार्टमेंट के, उन्हें भी अपर एज लिमिट 5 साल तक की छूट यहाँ मिल सकती है, पर वो एक ही बार ये छूट ले सकते हैं और एक साल तब माना जाएगा जब उस साल में कम से कम 120 दिन का आपके पास एक्सपीरियंस होगा उस कंसर्न ईयर में, तभी वो एक साल काउंट किया जाएगा। दोस्तों इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा DSSSBonline.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, और जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस वगैरह है, वो सभी आपके जो गणना की जाएगी उन सभी की, तो 20/12/2023 को आधार मानते हुए की जाएगी। मतलब 20/12/2023 तक आप एलिजिबल होने चाहिए इन पदों के लिए। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस इनके लिए निर्धारित की गई है। बाकी वुमेन कैंडिडेट्स, SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी।
जहाँ तक एग्जामिनेशन स्कीम की बात है, अलग अलग एग्जामिनेशन स्कीम है, इनके लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं पोस्ट कोड 91/23 की। तो इनके लिए वन टीयर टीचिंग टेक्निकल पोस्ट है ये, तो वन टीयर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 नंबर के ही। जो सेक्शन ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन बी है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी या फिर बीएड। तो जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जिस भी शिक्षक भर्ती के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी 100 नंबर के आपके होंगे। तो टोटल 200 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और दोस्तों, पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली के लिए 35, एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30% अंक लेने आवश्यक है। एक्स सर्विसमैन को 5% की पासिंग मार्क्स में छूट दी जा रही है, बाकी मिनिमम 30% तो लेने आवश्यक ही है, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जहां तक अपेयर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात है, ये देखिए, एससी एसटी को ग्रुप बी और सी की पोस्ट में 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है, एक्स सर्विस मैन को भी, और विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, इन्हें सिर्फ ग्रुप सी की पोस्ट में अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। तो जो टीचर्स की जो वैकेंसी आई है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, तो ये अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन वगैरह है। तो दोस्तों, जो शिक्षकों की रिक्रूटमेंट है, जो टीचर्स की वैकेंसियां हैं यहाँ स्पेशल एजुकेशन टीचर की, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई गई। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहाँ जवाब दे दिया जाएगा आपकी उस क्वेरी का। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुँचाई थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।